Hello everyone, welcome to this channel. I hope you are doing well. In today's video, we will talk इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात कर ले तो इसमें दो माइल्ड सर्फेक्टेंट है एंड इसमें बहुत सारे सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट है एज वेल एज ह्यूमेक्टेंट है, जैसे ग्लिसरीन, एलेंटोइल, पैंथानॉल, प्रोपेंडियॉल एज वेल एज इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मेरे स्किन पे टिंगलिंग सेंसेशन होने लगा था। आई डोंट नो वाई, क्योंकि इससे पहले मैंने बी मिलिस्ट का ही सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ किया था, उससे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
एंड आई डोंट नो इससे क्यों मुझे ऐसे वैसे टिंगलिंग होने लगी, बट ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जैसे ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी और मुझे अभी तक कोई टिंगलिंग विंगलिंग सेंसेशन नहीं हो रही है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हेल्दी हो रही है। मैं इसे 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ एंड अभी तक से मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुआ, और मैं इसे डेली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे देखना था कि ये मेरी स्किन के साथ कैसी जाती है। मैंने इसकी विटामिन सी के साथ यूज़ कर चुकी हूँ, सैलिसिलिक एसिड के साथ यूज़ कर चुकी हूँ, बट मैंने रेटिनॉल के साथ नहीं यूज़ किया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप रेटिनॉल के साथ बिल्कुल इसे यूज़ ना करें। तो मुझे कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, आप एक बार पैच टेस्ट कर लें, मे बी आपको हो जाए, बट मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने विटामिन सी सैलिसिलिक एसिड दोनों के साथ इसे ट्राई आउट कर लिया। तो मेरे पूरे फाइनल वर्डिक्ट से पहले अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा फाइनल वर्डिक्ट आगे देखें। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ नहीं किया, आप ट्राई करने का सोच रहे हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपके पास पहले से ही सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड कोई भी है, AHA BHA आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये नीड नहीं है। चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, बट आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है आपकी स्किन को। तो तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टडा टडा।